कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। आपके पास गार्डन की स्पेस हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है गार्डन स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके पास गार्डन स्पेस नहीं है, ना टेरेस गार्डन है ना लॉन गार्डन है, और छोटा सा घर है, फिर भी आप गार्डन शुरू करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे बेस्ट लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट्स शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें आप अपने घर के अंदर भी बहुत ईजिली रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है ये गोल्डन पोथोस या मनी प्लांट जिसे कह देते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाती हैं पोथोस में, वो आप अपने घर में बहुत इजीली लगा सकते हैं। ये देखिए जो इसका ये एक नया पत्ता है, कितना शाइन, और मैं काश आपको दिखा पाती कि ये कितना सॉफ्ट है टच करने में, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आप इसे घर में इंडोर में लगा सकते हैं, सेमी शेड में इसे रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट की इसको जरूरत नहीं होती है। आप इसे चाहे सॉइल में लगाइए, चाहे इसको पानी में लगाइए, या छोटे पॉट में लगाइए, बड़े पॉट में लगाइए, बहुत खूबसूरत प्लांट है इंडोर में रखने के लिए। और ये मैंने ये देखा है कि आमतौर पर इंडियन हाउस होल्ड्स में ये बहुत ईजिली मिल जाता है हर किसी के यहाँ। हमारे यहाँ एक मान्यता भी होती है इंडियन हाउस होल्ड में कि इसको खरीदना नहीं चाहिए, इसको किसी के यहाँ से लगाकर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा चलता है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने खरीद के लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से मेरा ये प्लांट फ्लरिश कर रहा है। ये एक और मैं आपको पोथोस की वैरायटी दिखा रही हूँ, कई सारी वैरायटीज़ आपको मार्केट में मिल जाएंगी, आप जौन से भी आपको पसंद है या सारी पसंद है, वो आप अपने घर में बहुत ईजिली इनडोर ये प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करती हूँ तो वो है एग्लिनोमा। ये भी बहुत इजीली आप अपने घर में इंडोर लगा सकते हैं, सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से भी कह सकते हैं। ये देखिए इसके पत्ते का जो फॉलिएज जिसे कह देते हैं, वो कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। ये इसमें भी कई वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जो वेराइटी मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी हार्डी है, डार्क ग्रीन कलर की जो ये होती है ये थोड़ी हार्डी होती है, और इसमें एक लाइट ग्रीन कलर भी आता है। और उसके बाद ये जो है प्लांट, यह है सिंगोनियम का प्लांट, जिस ये भी बहुत सुंदर प्लांट है जिसे आप इंडोर रख सकते हैं। ये कई वेराइटीज़ में जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये है ड्वाफ सिंगोनियम। ये देखिए इसके अंदर ये जो पिंक वेन्स हैं, कितना खूबसूरत ये इसको लुक दे रही है। इसमें भी कई वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए कि नॉर्मल सिंगोनियम है जो आम तौर पर आपको मिल जाता है, ये एक बेसिक वैरायटी है। इसके अलावा एक और पिंक सिंगोनियम भी होता है जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है पिंक सिंगोनियम, कितना सुंदर इसका लाइट बेबी पिंक कलर है, बहुत प्यारा लगता है। एक साइड का पत्ता पूरा बेबी पिंक है, एक साइड का पूरा ग्रीन है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। नॉर्मल सॉइल मिक्स में आप इसे लगाइए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपसे नहीं मांगता है, साल में दो बार फर्टिलाइज़ कर लीजिए, कटिंग से बहुत ईजीली जाता है। तो ये है हमारा थर्ड प्लांट जिसे हम इंडोर लगा सकते हैं। उसके बाद एक और प्लांट की बात करती हूँ, सेंसिवेरिया की। ये भी बहुत अच्छा इंडोर प्लांट लगाने में है, क्योंकि जितना ये खूबसूरत है, जितना ये लो मेंटेनेंस है, उतना ही ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग भी है। नासा प्रूवन है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसकी एक और वेरायटी होती है ड्वाफ वेरायटी, जिसको बर्ड नेस्ट भी कह देते हैं। ये देखिए ये मैंने लिविंग रूम में अपने एक बहुत छोटे से पॉट में, लगभग 4 इंच का ये पॉट है जिसमें मैंने ये लगा रखा, और कितना खूबसूरती से ये इसके अंदर डेवलप कर रहा है। उसके बाद लास्ट बात कर लेती हूँ एक और खूबसूरत प्लांट की, जो है क्रोटन्स। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, लोग इनके कलर्स के लिए इसको इंडोर में रखते हैं, सेमी शेड में बहुत इजीली चल जाता है। देखिए इसकी लीफ का जो पैटर्न है वो कितना खूबसूरत है। और एक और इसमें ये देखिए एक और वैरायटी है क्रोटन में, ये थोड़ी हार्डी है वैरायटी, आराम से चल जाती है, बहुत सुंदर लगता है। एक इसमें गोल्डन डस्ट होता है, छोटी छोटी लीव्स वाला, जिसमें ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गोल्डन डस्ट वैरायटी, जिसमें गोल्डन ऐसे मतलब छींटे छींटे से होते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, इनडोर में बहुत ईजीली चल जाता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ और नया आप देखना चाहते हैं गार्डन रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।